बात करते हैं कोल्ड एब्सिस के नोट्स की, ठीक है। कोल्ड एब्सिस क्या होता है यार, एक तरह से ये नॉन टेंडर एब्सिस है ना। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नॉन टेंडर एब्सिस। साइट की बात करें तो ये जो एब्सिस है मोस्ट कॉमनली नेक में देखने को मिलता है। जो कोल्ड एब्सिस है मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है, नेक में। और कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ग्रोइन में देखने को मिल सकता है, लोइन वाले रीजन में देखने को मिल सकता है ना। इंटरकोस्टल स्पेस में भी हो सकता है ये। योगा कोल्ड एब्सिस कजेस की बात करें तो कोल्ड एब्सिस क्यों बनता है यार, ठीक है। तो ये टीबी की वजह से देखने को मिल सकता है, टीबी ऑफ स्पाइन की वजह से है ना, लिम्फ नोड में टीबी की वजह से, इंटरनल ऑर्गन्स में टीबी की वजह से। अगर टीबी हो गया बोन में तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, कोल्ड एब्सिस। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजिकल कारण में क्या है ना, मोस्ट यहाँ पे टीबी एडिनाइटिस में देखने को मिलता है, सो टीबी लिम्फ एडिनाइटिस के अंदर। टीबी लिम्फ एडिनाइटिस में क्या होता है, कोल्ड एब्सिस देखने को मिलता है इन द एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। कोल्ड एब्सिस इन द एंट्रियल ट्राइंगल ऑफ नेक, ठीक है। सपोज करो ये एप्सिस है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है यार, कि जेटिंग नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एंड ये होता है डीप टू दी फेशिया, डीप टू डीप फेशिया। दूसरा टीबी सर्वाइकल स्पाइन, सपोज करो ये हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक है ना, थोरेसिक कैविटी है, सोफेगस, बकोफेंजल फेशिया, लार फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, एंड देन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इट इज व्हाट इट इज, बको फेरेंजियल फेशिया, दिस इज एलार फेशिया, दिस इज प्री वर्टिब्रल फेशिया। ये यहाँ पे क्या हो गया है, कोल्ड एप्सिस का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैथोलॉजिकल फीचर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जो कोल्ड एप्सिस है वो अगर रप्चर कर जाएगा तो एंट्रियली, अगर रप्चर करते हैं सिचुएशन में तो कहाँ पे स्प्रेड करेगा, एंड पोस्टियर रप्चर करेगा तो कहाँ पे स्प्रेड करेगा, एंट्रियल रप्चर में कहाँ पे स्प्रेड कर सकता है, इन्फीरियर, अगरली इन्फीरियरली यहाँ पे ये रप्चर हुआ एंट्रियर में तो ये सुपीरियर मेरिस्टेम में जा सकता है, दूसरा जो है लैटरल में अगर गया तो कोल्ड एब्सिस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल बन सकता है, कोल्ड एब्सिस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल, एंड अगर एंट्रियर गया तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस बना सकता है। एंड इट प्रोट्रूड इन टू एसोफेगस, प्रोट्रूड इन टू इसोफेगस, ठीक है। ये हो गया एंटर रप्चर। पोस्टर रप्चर की बात करें तो पोस्टर रप्चर में ये स्पाइनल कॉर्ड में स्प्रेड कर सकता है,
जिसमें सर्वाइकल नर्व्स को इफेक्ट कर सकता है यार। ब्रिकियल प्लेक्सिस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है उसकी बात की हमने पैथोलॉजी में ना। अगर हम बात करें कोल्ड एप्सिस क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमनली नेक में देखने को मिलता है, तो नेक स्वेलिंग हो सकता है यार। एंड जो नेक स्वेलिंग होगा वो कैसा होता है? स्मूथ होता है ना। नॉन टेंडर हमने बताया कि कोल्ड एप्सिस क्या है, इट इज़ अ नॉन टेंडर एप्सिस, तो दर्द नहीं होता छूने से, नॉन टेंडर होता है एंड नॉन ट्रांसल्यूमिनेटिंग होता है। ट्रांसल्यूमिनेट नहीं करेगा जब हम टॉर्च से उसको दिखाएंगे वहाँ पे। तो नेक की बात करें तो नेक में पेन होता है, नेक में ना स्वेलिंग में पेन नहीं होता, नेक में पेन होता है, रिजिडिटी देखने को मिलता है एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की बात करें, तो वेट लॉस देखने को मिल सकता है, नाइट फीवर होता है यार, स्वेटिंग देखने को मिल सकता है, एनीमिया हो सकता है, कफ एंड हिमोप्टाइसिस देखने को मिल सकता है। ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। नाउ अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, सो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? ओके, तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं यार? यहाँ पे पहले तो ब्लड टेस्ट जब हम कराएंगे तो उसमें ESR बढ़ा हुआ रहता है ना। लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है, एक्सरे की अगर हम बात करें तो एक्सरे में पल्मोनरी TB देखने को मिल सकता है। अगर पल्मोनरी TB है ना, एक्सरे चेस्ट करेंगे तो वहाँ पल्मोनरी TB डायग्नोस हो सकता है यार, है ना। FNAC करें, फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो वहाँ पे एसिड फास्ट बेसिलाई, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे, जो फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी उसका एसिड फास्ट बेसिलाई का स्टेनिंग करेंगे प्लस कल्चर करेंगे। फोर्थ है PCR करा सकते हैं यार, है ना। PCR के बाद यहाँ पे हम एलाइजा कर सकते हैं, एक्सीजनल बायोप्सी, MRI कर सकते हैं। तो हमने बात किया अबाउट इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट क्या करते हैं कोल्ड एप्सिस का? यहाँ पे मेनली ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देते हैं, एस्पिरेशन एंड ड्रेनेज करते हैं, एक्सीजन करते हैं, इमोबिलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, इमोबिलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, कैसे? कॉलर को यहाँ पे कॉलर लगाते हैं। सपोज करो ये हेड हो गया, ये नेक है, तो नेक में यहाँ पे क्या लगाते हैं? कॉलर, इससे इमोबिलाइज होता है। लोग पहने थे ना, बूढ़े लोग, आप देखना, उसको बोलते हैं कॉलर। तो ये हमने बात किया अबाउट दी ट्रीटमेंट यार, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोलॉजी ऑफ कोल्ड एप्सिस, पैथोलॉजी कॉजेस एंड साइट, जहाँ पे देखने को मिलता है कोल्ड एप्सिस। जनरल सर्जरी के अंदर एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट।